हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। दुनिया में हर इंसान को घूमने फिरने का शौक होता है। हर इंसान छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने के लिए जरूर जाना चाहता है। हिंदुस्तान में कुछ जगहें हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं, जैसे कि गोवा, केरला, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। लेकिन आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं वर्ल्ड के सबसे खतरनाक 5 टूरिस्ट प्लेसेस। तो क्या आप तैयार हैं हमारे साथ इस सफर पे चलने के लिए। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए एपिसोड की। नंबर 1, वोल्केनो राइड। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मौत से खेलने की आदत होती है। ये लोग भी उन्हीं में से एक हैं। ये स्पेन का एक रेगिस्तान है जहां एक बड़ा सा ज्वालामुखी फटा है, लेकिन इन लोगों को ज्वालामुखी से भी डर नहीं लगता। देखिए कैसे ये लोग ज्वालामुखी के ऊपर से बोट राइडिंग कर रहे हैं। ये जगह बहुत डरावनी है, यहां तक बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन ये सभी यहां पहुंच गए हैं। अब देखिए कैसे ये ज्वालामुखी के ऊपर तेज रफ्तार से बोट चला रहे हैं। ये जब ज्वालामुखी से नीचे आते हैं तो इनकी रफ्तार 80 किलोमीटर तक चली जाती है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, मौत को डायरेक्टली चुनौती देने वाली बात है ये। क्यों दोस्तों, यहाँ जाना पसंद करेंगे आप। नंबर 2, चाइना ब्रिज। दोस्तों, चीन के लोगों को न सिर्फ अलग अलग किस्म के जानवरों को मारकर खाने का शौक है, बल्कि वो बेहद खतरनाक पुल बनाने के भी शौकीन है। आपने तो चीन के उस पेड़ के बारे में सुना ही होगा जो शीशे का बना है। लोग यहाँ जाने से बहुत डरते हैं, लेकिन आज हम आपके सामने उससे भी ज्यादा खतरनाक ब्रिज लेकर आए हैं। दोस्तों, ये ब्रिज भी चीन में ही बना हुआ है। इस पुल की ऊंचाई 230 मीटर है। आपको इस पुल पर जंप मारते हुए चलना पड़ता है। हालांकि सुरक्षा होती है आपके साथ, लेकिन फिर भी यहाँ चलना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि इसे देखने से पहले भी आप अपना लाइफ इंश्योरेंस जरूर करा लें। यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लीजिए। नंबर 3, जिप वर्ल्ड वेलोसिटी। दोस्तों, क्या आप में है अपने आप को चैलेंज करने का दम? अगर हाँ तो यहाँ एक बार जरूर जाना। इस जगह का नाम है जिप वर्ल्ड वेलोसिटी। ये इंग्लैंड में है। बहुत बड़े बड़े तुरमखा यहाँ आए और पीछे चलते हुए वापस भी हो गए। दोस्तों, एक वायर के जरिए आपको इस पहाड़ी से नीचे आना होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब पहाड़ी के नीचे आते हैं तो उस समय आपकी स्पीड 165 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। ये बहुत खतरनाक है। अगर आप में दम है तो एक बार यहाँ जरूर जाएं और पहाड़ी से नीचे की तरफ आने की कोशिश करें। दोस्तों, कहा जाता है कि आप बहुत सारे लोगों का हार्ट फेल हो गया, अगर आप यहाँ जाएं तो दिल को मजबूत जरूर कर लें। देखिए कैसा नजारा होता है जब कोई पहाड़ी से नीचे की तरफ आता है। इसी बीच आपको एक झील को भी क्रॉस करना होता है। अगर आपने अपनी आंखों पर चश्मा नहीं लगाया तो नीचे आते वक्त हो सकती है आपको बहुत तकलीफ। नंबर 4, चीन के पहाड़। एक और पहाड़ जो कि चीन में है और जहां बहुत सारे लोग जाते हैं अपना डर खत्म करने। जी हाँ दोस्तों, डर के आगे जीत है, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन इस पहाड़ पे चढ़ना और अपने डर को खत्म करना इतना आसान नहीं है। ये पहाड़ नहीं, मौत का कुआं है। कहा जाता है कि अगर अपने दम पे चीन की इस पहाड़ी पर किसी ने चढ़ाई कर ली तो उसकी जिंदगी से डर शब्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। लेकिन किसी चीज को गायब करने से पहले अपने डर पर काबू करना क्या इतना आसान है? जी बिल्कुल भी नहीं। एक बार ध्यान से देख लीजिए इस खतरनाक पहाड़ी को। नंबर 5, ट्रोल टंगा, नॉर्वे। नॉर्वे का ट्रोल टंगा दुनिया का सबसे खूबसूरत चट्टान है। यहाँ पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा 700 मीटर की ऊंचाई पे लटका है जो लोगों को खूब भाता है। इस चट्टान के टॉप तक पहुंचने में कम से कम 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। जून मध्य से सितंबर मध्य के बीच पूरी दुनिया से हाइकर यहाँ हाइकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए आते हैं। ये जगह नॉर्वे की होर्डालैंड काउंटी से सिर्फ 17 किलोमीटर दूरी पे है। ये जगह मेरी भी पसंदीदा जगहों में से एक है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड हमें जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।